मैं आई हूँ। मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी सी मेरी दोस्त हैं जो इतने इतने दिनों से जो है ना हमारी एक कमिटमेंट हुई हुई है लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा आज आज जो है ना मैं टाइम निकाल के आई हूँ। तो आते ही मुझे इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है ना, मैंने कहा दोबारा कहे दोबारा कहे। क्या कहा आपने? देखिए, ये तो नादिया को मैं पिछले 3 या 4 साल से जानती हूँ, बड़ी अच्छी है। लेकिन कभी कभी ना ये अपने आप को ना बिल्कुल लेट डाउन कर देती है, मतलब लगती ही नहीं है ब्यूटीशियन। देख ले मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे फील ही नहीं हो रहा। इसको ना जूते पहनने वाले हैं। हाल देखें, हाल देखें हैं, हाल देखें। फिर ये ठीक होगी, बस बंदा ये पता चले कि जिस प्रोफेशनल लाइन में आप हो उसे कुछ तो वाइब्स आए ना। वो वाइब्स ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। देख ले, देख ले। अब मैंने इन्हें कहना है कि तुसी मेरी वीडियो वेख्या करो, मेरे व्लॉग वेख्या करो, तानू पता चले मैं कितना बिजी थी। मैं सच में बताऊं, मैं इस कदर बिजी थी। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आई हूँ कि बच्चे सो रहे थे तो मैं उनको सोता हुआ, मतलब अवाब मरजूक को छोड़ के सफाना को अवाब के पास उड़ाई हूँ। अच्छा, अब मैं इधर एक बात कहूंगी कि हर बंदा बिजी है। ये तो है। वो अपने बच्चे को छोड़ के आई है, उसका बच्चा बुखार में। हम्म, मैं अपना बच्चा अंदर लिटाया है, वो भी बीमार है, ठीक है ना। हर बंदा जो है ना इधर बिजी है। किसी की भी सिंपल लाइफ है, किसी की इजी लाइफ नहीं है। अगर आप समझती हो तो ये गलत है। अगर किसी से भी पूछोगी ना तो वो बंदा बहुत बिजी है। लेकिन अपना दिल ही नहीं करता मैंने किसके लिए तैयार होना, वो चले गए जिसके लिए मैंने तैयार होना था। नो, मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहती हूँ, लव योर सेल्फ, केयर योर सेल्फ। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप के लिए तैयार होइए। सही हो गया, सही हो गया। अपने लिए टाइम निकाल। मैं भी किसके लिए तैयार हूँ? मेरा मियाँ तो कब से आया हुआ, उसने मुझे देख के क्या करना है। क्या करना है, क्यों नहीं करना है यार। मैं आप लोगों के लिए तैयार नहीं होती, मैं अपने लिए खुद के लिए तैयार होती हूँ। हाँ, ये चीज जब अच्छी है। अपने लिए टाइम दोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द के लोग आपको टाइम देंगे। ये हकीकत है। मेरी एक है, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है यूट्यूब पे, उन्होंने भी मुझे कहा, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कहा, सहर सिस्टर, मैं आपका नाम ले रही हूँ, रावी सिस्टर, के नादिया तुम्हें क्या हो गया भी, तुम इतनी कमज़ोर हो गई हो और आपके फेस को क्या हो गया है ये। तो हालांकि मैं पर्दे में आती हूँ, यू नो, सब लोग जानते हैं। आप पर्दे में हो, ठीक है, मत, इट्स नॉट ए बिग इशू। पर्दा इस्लाम में है, जायज़ है, मैं इस बात को मानती हूँ। स्किन की केयर करना आपका हक है। आप आंखें बताती हैं कि आपकी इंटरनल पोजीशन क्या है, ये हकीकत है, ठीक है ना। आपको जानने वाले जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपकी आंखों से, आपके लुक से पता, जैसे मैंने एकदम में कह दिया। हाय हाय, देखिए ना, ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए, वही ना, जो इतना प्यार देने वाले हों, इतना ख्याल रखने वाले हों। तो मुझे ये शफ़क़ की बड़ी बात अच्छी लगी। ये बहुत ही टैलेंटेड और माशाल्लाह, मैं कहूँ ना कि बहुत ही नॉलेज वाली खातून है, इन्हें इतना नॉलेज है, माशाल्लाह मैं कहती हूँ। नहीं नहीं, ये यकीन करे, ठीक है, मैं काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काम के लिहाज से, लेकिन मुझे नॉलेज जो है ना एक चीज़ का, एक आपके दिमाग में सब कुछ होना, वो सब कुछ मैं कहती हूँ शफ़क़ के पास है। कोई भी टॉपिक छेड़ लो, कोई भी आप स्किन रूटीन का पूछें, हेल्थ का पूछें, कुछ भी पूछें, तो मैं कहती हूँ अगर इस चीज़ में शफ़क़ जा रही है तो बेस्ट है, हर काम में बेस्ट है माशाल्लाह। मैं अभी इसको अपनी लड़की को यही समझा रही थी कि जब तक आपके अंदर वो होता है ना प्यासा कुएं के पास, पास बिल्कुल, ठीक है ना, आप आ गई हो कुएं के पास, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि पानी कैसे निकालना है। यही बात है। आपको जब पानी निकालना नहीं आ रहा तो आप बैठ के बस ये देखती रहोगी कि हाय बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, मैं कैसे उतरूं, मैं कैसे करूं। आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, हाथ दिए हैं, सब कुछ दिया, आप खुद सोचो कि इसमें डॉल डालना है, कैसे डालना है, रस्सी के जरिए डालना है, कैसे डालना है, कैसे पानी निकालना है। सही, ये तो आपकी अक्ल है ना। अब आपको मैंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, मैं हमेशा कहती हूँ आप सीखो, बताने वाले हम। बिल्कुल, जैसे नादिया को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा दिया। बिल्कुल, नादिया आज माशाल्लाह से कर रही है कुछ ना कुछ। बिल्कुल, लेकिन उस इस नादिया की एक बात है कि डेली कुछ ना कुछ करती है, डेली उसने परफॉर्मेंस दी है, तो यार हमने भी डेली दिया तो हम यहाँ तक पहुँचे, हम बिल्कुल इस कुर्सी पे बैठ नहीं सकते थे। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की ना, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। मैं आई हूँ, जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो रिजवाना पे अभी भी परसों मैंने वो सारी निकाली हुई थी, तो मैंने कहा भी मैंने इतनी प्रैक्टिस की। मुझे ना हेयर स्टाइलिंग पे बड़ा इशू होता था कि मैं जहाँ कोर्स कर रही थी गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ पर मुझे ना
उन्होंने कहा कि मतलब डेली होता था कि आप हेयर स्टाइलिंग करें। आपको पता है हेयर स्टाइलिंग के लिए आपके पास एक बंदा होना चाहिए। अब बंदा मैं कहाँ से लाऊं? तो मैंने ना अपनी मैम को बताया, मैंने कहा मैम कि मेरे पास ना भी कोई लड़की नहीं है जिसके मैं हेयर स्टाइल करूँ, तो मेरे तो ससुर है और मेरे हस्बैंड है। कहती है ऐसे करो, अपने ससुर की दाढ़ी पर स्टाइल बना लिया करो। ठीक है, तो वही बात है ना कि मुझे शौक़ था लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने यहाँ पे कुछ टाइम दिया, लेकिन वही चीज़ है कि मुझे हाथ पकड़ा के किसी ने नहीं सिखाया। ठीक है ना, मैंने खुद सीखा, मुझे खुद शौक़ था ना, तो मैंने खुद सीखा। डेली मैं कोई ना कोई चीज़ निकालती थी, मैंने नेट से निकालना, कोई चीज़ देख रही हूँ निकालना, निकाल के मैंने उस पर प्रैक्टिस करनी कि नहीं ये करना है, ये करना है। करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ। वही ना, सीखना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है। आप यकीन करें, मैं अगर आप मुझसे कहोगी ना इस टॉपिक पर लेक्चर दो, मैं आपको लेक्चर दे दूंगी। वही ना, आधा घंटा दे दूंगी, एक घंटा दे दूंगी, उसके बाद क्या होगा आपने करना। बिल्कुल करना होता ही हमने है, यानी कि नहीं नॉलेज दे दी आपको। अभी मैं इसको समझा रही थी कि मेकअप में डिफरेंट किस्म के होते हैं।